और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता ठाकुर। धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक रंगारंग आयोजनों के साथ शहर के प्रसिद्ध अग्रवाल पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव की संध्या में स्कूल के बच्चों ने समा बांध दिया। एनुअल डे चीफ गेस्ट सुधांशु त्रिवेदी की मौजूदगी में इस दौरान श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल द्वारा पुरुषोत्तम अग्रवाल के व्यक्तित्व पर रचित किताब मलंग का भी विमोचन किया गया। जी हाँ, हम आपको बता दें, बीते दिनों अग्रवाल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां आयोजनों में राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर अग्रवाल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अतिथि त्रिवेदी को कला, धर्म, सांस्कृतिक के एकाधिकार, ज्ञानी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी बताया। आयोजन में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक धार्मिक, सांस्कृतिक, अन्य तरह की रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जहां आयोजन स्थल पर मौजूद दर्शक बच्चों की प्रस्तुति आदेश अभिभूत हो गए। स्कूल प्रांगण में हुए आयोजन में कल्चरल प्रोग्राम हुए, जहां दशा अवतार का मंचन बेहतरीन तरीके से किया गया। वहीं श्री रामाधीर सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी का वाचन छात्र अंश दुबे ने अपनी शैली में किया। आयोजन में पीयूष अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, प्रिंसिपल श्रीमती नीरोफर, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती भावना भाटिया, हेड मिस्ट्रेस शिवानी मंत्री सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पालक व अन्य लोग मौजूद रहे। यहां से शुरू होगा एक अमृत काल, जो 75वां वर्ष जो स्वतंत्रता का है, वहां से शुरू होकर जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 तक, तब तक ये चलना है। और इसमें उन्होंने कहा, अमृत काल में उन्होंने 5 प्रण के लिए बात कही थी, जिसमें पहला क्या था, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा क्या था, गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है। तीसरा यह है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा यह था कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा यह था कि सबको सामूहिकता के साथ चलना है। तो ये जो संकल्प था, ये तो आज के इन्हीं बच्चों के लिए था, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब इन्हीं बच्चों में से कोई महत्वपूर्ण स्थिति में जाकर देश में भिन्न भिन्न पदों पर बैठकर व्यवस्था का संचालन कर रहे होंगे। अब आपके इस विद्यालय में ही देखें, आज की जो थीम रखी गई, पहले जैसे संचालिका महोदया ने कहा था कि भाषा का महत्व, तो मैं पहले 2 पॉइंट उस पर कह देता हूं। भाषा सभी भाषाओं का सम्मान है, परंतु ये बताइए, अंग्रेजी हम सब सीखते हैं, अंग्रेजी में कितने वॉवेल होते हैं? 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने पढ़ा होगा, तीसरी चौथी क्लास के ऑनवर्ड से पढ़ ही लिया होगा। अब ये बताइए, हिंदी में जो यार स्वर होते हैं, संस्कृत से लिए गए, वो क्या है? आ, आ, ई, ई, उ, उ, ओ, ओ। कितनी सिमिलरिटी है, अब बताने की जरूरत है किसने किससे नकल की होगी।